हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी वादा किया कि रेलवे के साथ साथ अब आपका आईटीआई पास, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, जो भी सरकारी भर्ती आएगा, जो सिर्फ आईटीआई पे बेस रहे, उसका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें जो जो भी जानकारी बताई जाएगी, स्टार्टिंग कब से हो रहा है, लास्ट डेट कब है, एज लिमिट क्या रखा गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना फीस लगेगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये जो आपका 2024 का लेटेस्ट भर्ती जो आपके सामने निकल कर सामने आ रहा, वो आपका OSSC की बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए यहां पर निकल कर आ गई है, जो आपका अटेंडेंट पद पर ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप का भर्ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका प्योरली गवर्नमेंट जॉब है जो इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो गया है। पूरा डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF है, आपको हमारे profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक विजिट नहीं किए, फटाफट विजिट कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया के लिए है। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट से भर्ती निकाला गया है उसी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य, किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्ती निकाला गया आपका उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर रिलीज हो गया है ऑफिशियली, जो आपका Group B और Group C का पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए पहले इंपॉर्टेंट डेटेस के बारे में बात करें, तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका शुरू होगा 20 दिसंबर 2023 के डेट से, इसका फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे 19/1/2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे बात करें कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 22 जनवरी 2024 का समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 20 दिसंबर 2023 तो वो आपका स्टार्टिंग डेट है ही, आपका 24 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट रहेगा करेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां पे बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन का, जो फीस लगेगा वो तो उसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे बताने वाले हैं। चलिए सबसे बड़ा भर्ती अभी आपका यहां पे निकल के आ रहा, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रूल 2022 के अंतर्गत जो आपका सारा प्रोसेस है यहां पे चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी भर्ती आ रहा। सबसे पहले अभी तक इस भर्ती के बारे में किसी को पूरे YouTube पर नहीं पता, आपको भी इस बात की जानकारी पहले से होगी। सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे इस बात पे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर कनेक्ट हो जाएगा, ताकि कोई भी ITI पास भर्ती आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले आपका आता है जूनियर माइनिंग ऑफिसर का, उसके बाद जूनियर MBI का, जूनियर इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर सिविल से ट्रैक्शन का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, ठीक है। इसमें देख लीजिए जो आपका पोस्ट ग्रुप है वो आपका सारा ग्रुप बी के अंतर्गत जो ये वैकेंसी निकाला गया है, और कुछ आपका ग्रुप सी का है। तो जो ITI बेसिस पे जो जॉब है वो आपका मेनली ग्रुप सी का जॉब है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पे देखिए दो वैकेंसी और बचा हुआ है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का और जूनियर इंजीनियर का। तो जो बेसिकली हम ITI पास पे जो भर्ती देखेंगे वो आपका Level 2 पे निकाला गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि इसके बारे में आपका क्या क्या बताया गया, सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहां पे कवर करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका जो ITI ट्रेड है वो आपने किस ITI ट्रेड से अपना ये जो ITI है वो कंप्लीट किया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ, आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी भर्तियाँ निकाली गई है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया का बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन होगा कि क्या सर ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर दी एवब पोस्ट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए गुड ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती निकाली गई है। ये सब आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जो सबसे अहम फैक्टर है इस भर्ती का, ठीक है। यहां पे बात करेंगे तो आपका डिग्री वाले भी भर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए भी, यहां पे माइनिंग से जो किए उनके लिए भी भर्ती निकाला गया है। जूनियर MBI के तहत बात करेंगे तो जो ऑटोमोबाइल से है, जो 3 साल का इंजीनियरिंग किया है, वो लोग भी यहां पर भर सकते हैं। सारा का जो आपका
क्रिटेरिया है वो अलग अलग दिया है, पर हम उस भर्ती के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली आपका आईटीआई पास से रिलेटेड है। देखिए एक आईटीआई पास से रिलेटेड आपका ये भी भर्ती है, ट्रैक्शन अंडर द डायरेक्टर ऑफ द टाउन प्लानिंग। इसमें भी आपका बोला गया है कि मैट्रिक विद एनटीसी या फिर एनएससी, मतलब आप टेंथ के बाद अगर आप आईटीआई किए हैं तो भी भर सकते हैं, टेंथ के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी भर सकते हैं, पर इसके साथ साथ एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपके पास 2 साल का डॉट्समैन सिविल का ऑटो कैड का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये तो फाइनली एक्सपीरियंस बेस पे बात होगी, अब बात करते हैं फ्रेशर वाले कैंडिडेट के लिए। तो यहां देखिए फ्रेशर वाले कैंडिडेट के लिए ये जो 7 नंबर भर्ती है वो निकाला गया है, लेबोरेटरी अटेंडेंट अगेंस्ट 6 पोस्ट फॉर फिटर ट्रेड। यहाँ पे कौन सा ट्रेड का है, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट, फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा भर्ती देख लीजिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट अगेंस्ट 5 पोस्ट फॉर द टर्नर ट्रेड। तो दूसरा भर्ती आपका टर्नर वाले के लिए निकाला गया, जितने भी टर्नर वाले कैंडिडेट रहते हैं उनका हमेशा यही शिकायत रहता है कि सर टर्नर का कोई भर्ती नहीं आ रहा, टर्नर का भर्ती के बारे में भी बताया करिए। तो फाइनली देखिए टर्नर वाले कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खबर यहाँ पे आ गई है। और तीसरा सबसे बड़ी भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका निकाला गया, सिर्फ 2 पोस्ट है, एनटीसी इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो हम लोगों ने बेसिकली कौन कौन से ट्रेड को यहाँ पे भर्ती आया है, फीटर का आया है, उसके बाद आपका टर्नर का आया है, ठीक है ना, उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रीशियन का है। तो ये 3 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑटोकैड का तो ये जो भर्ती निकाली गई है देख लीजिए आप लोग यहां पे, ये जो भर्ती आपका निकाला गया है टाउन प्लानिंग का, ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक विथ एनटीसी या फिर अप्रेंटिसशिप किए हैं विथ 2 ईयर ट्रेनिंग इन सिविल डॉट्समैनशिप एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑटोकैड। ऑटोकैड का सिर्फ आपको नॉलेज बोल रहा है, एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा, पर हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांग रहा है सिविल डॉट्समैन में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करें तो ये सारा पोस्ट आपको निकाला गया है जो हम लोगों ने बेसिकली बात किया। अब यहां पे बात करते हैं एज लिमिट का, तो मिनिमम जो एज रखा गया है आपका 21 साल होना चाहिए, इसमें 18 साल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मिनिमम आपका 21 साल बोला गया है और मैक्सिमम आपका 38 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले का एज लिमिट 21 से लेकर 38 साल यहां पे रखा गया है। बाकी आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का, और बाकी आपको 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। बेसिकली समझ लीजिए कि आपका 2 टाइप का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, कौन कौन सा, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम एग्जामिनेशन और मेन एग्जाम, 2 एग्जाम, और तीसरा में आपका डीवी होगा। तो बेसिकली 2 टाइप का एग्जाम आपका होने वाला है। बाकी ये जो आपका पूरा सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग आप ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा, कौन सा साइट विजिट करना है नाम भी आपको लिख देते हैं, profitstudy.in आप विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या बताया गया, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया गया कि फरवरी अप्रैल के आसपास आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है कंडक्ट करा सकता है, ठीक है ना। बाकी अब इसका अगर फॉर्म फिलअप के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने कैंडिडेट इलिजिबल हैं, ये तीनों तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट, फीटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन, सभी कैंडिडेट जरूर से जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं है, सीधा आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ट्रेड पर कमांड करना पड़ेगा, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। इसका जो सिलेबस है हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा। इसी तरह का पल-पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो रेलवे का अभी 4 अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है, टोटल अगर बात करेंगे तो 9000 से ज्यादा पोस्ट पर निकला हुआ है। हालांकि ईसीआर का जो आज लास्ट डे था 1832 पोस्ट का, इसका लास्ट डेट ओवर हो गया है। मेरिट लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जा सकता है। बाकी अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।